नमस्कार, न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में कोरोना मामलों की संख्या 15 लाख के पार, एक्टिव केस 5 लाख से ज्यादा। देश के 36 प्रमुख रेलवे स्टेशन साफ सफाई के मामले में हुए फेल। सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रोफेसर हनी बाबू की गिरफ्तारी का चौतरफा विरोध। कोरोना वायरस के सबसे अवैज्ञानिक और अजीब इलाज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार 29 जुलाई की सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 48,513 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 768 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 35,286 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 15,31,669 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार अभी तक 64.50% यानी 9,88,029 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण अभी तक कुल 34,193 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,09,447 हो गई। आईसीएमआर द्वारा आज 29 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 1,77,43,740 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें से 4,08,855 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भले ही स्वच्छता पर बड़े पैमाने पर जोर दिया हो, लेकिन हमारे देश के रेलवे स्टेशन विशेष सुरक्षा उपायों के अभाव में पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की एक रिपोर्ट ने देश भर से 36 प्रमुख रेलवे स्टेशनों में कई खामियों को उजागर किया है, जहां पर्यावरणीय मानदंडों की अनदेखी की जा रही है। सीपीसीबी, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर रेलवे स्टेशनों का आकलन किया था, ने 13 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इन सभी 36 स्टेशनों को बाकायदा ISO 14001 प्रमाण का पत्र मिला हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ये गंभीर खामियां सामने आई हैं। यह वह प्रमाण पत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में माना जाता है और प्रभावी पर्यावरण प्रबंध प्रणाली की खास जरूरतों को इसमें तय पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 20 रेलवे स्टेशनों में अभी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध नहीं है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी और लखनऊ जैसे बड़े स्टेशन शामिल हैं। ये 20 स्टेशन देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है, जहाँ रोजाना लाखों यात्री आते हैं। 13 रेलवे स्टेशन पर प्रभावी उपचार संयंत्र उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसका मतलब है कि बिना किसी उपचार के गंदे पानी या विषाक्त पानी को नालियों में छोड़ा जा रहा है। इन स्टेशनों में चेन्नई, आगरा, विजयवाड़ा, विजयनगरम, वडोदरा और मुंबई शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, जो अब भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रही है, उसने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के एक एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू को गिरफ्तार किया। यह जानकारी एनआईए के एक अधिकारी ने पीटीआई को दी। प्रोफेसर हनी बाबू की गिरफ्तारी के बाद से ही DU, HC और JNU के अध्यापकों और छात्रों ने उनके साथ एकजुटता जाहिर की है। इसके अलावा अन्य सामाजिक सरोकार रखने वाले कई लोगों ने गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की और इसे विरोध की आवाज को दबाने की एक साजिश कहा। सूत्रों के मुताबिक हनी बाबू से एनआईए के मुंबई कार्यालय में 23 जुलाई से पूछताछ की जा रही थी। उन्हें एनआईए से 12 जुलाई को मुंबई में पेश होने के लिए बुलाया गया था। ये भीमा कोरेगांव मामले में 12वीं अरेस्ट है। दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक लगभग पिछले 7 महीनों से कोरोना वायरस महामारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुए। कोविड-19 की दवा खोजने के लिए जैसे एक होड़ चल रही है। इसी बीच हमारे नेता अपनी ही एक रेस में लगे हुए हैं, वायरस के सबसे अवैज्ञानिक और अजीब इलाज इजाद करने की रेस। शोर मचाकर वायरस को भगाने से लेकर शराब पीकर इससे लड़ने और पापड़ खाने तक सारे सुझाव हमारे नेता दे चुके हैं। आइए देखते हैं एक वीडियो। दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक लगभग पिछले 7 महीनों से कोरोना वायरस महामारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुए। कोविड-19 की दवा खोजने के लिए मानो जैसे एक होड़ चल रही हो। दुख की बात है कि असल उपाय के लिए कोई भी भारतीय राजनेताओं की बात नहीं सुन रहा। हमारे नेता अपनी ही एक रेस में लगे हुए हैं, वायरस के सबसे अवैज्ञानिक और अजीब इलाज इजाद करने की रेस। शोर मचाकर वायरस को भगाने से लेकर शराब पीकर इससे लड़ने और पापड़ खाने तक सारे सुझाव हमारे नेता दे चुके हैं। आइए देखते हैं इनमें से कुछ चुनिंदा उपाय। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहले मंत्री थे जिन्होंने फरवरी में ही वायरस के खिलाफ युद्ध ना छेड़ दिया था। अठावले का यह वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे मुंबई में चीनी कौंसल जनरल और बौद्ध भिक्षुओं को नेतृत्व करते हुए गो कोरोना गो का मंत्र जाप कर रहे हैं। उन्होंने बाद में यह भी दावा किया है कि उनके द्वारा दिया गया गो कोरोना गो का नारा अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। It happens only in India. मार्च के शुरू में असम में बीजेपी विधायक सुमन हरिप्रिया ने यह दावा किया कि गौमूत्र और गोबर के सेवन से कैंसर और यहां तक कि कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं गोबर बहुत फायदेमंद है। इसी तरह जब गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है तो वो उस जगह को पवित्र कर देता है। मेरा विश्वास है कि कोरोना वायरस के इलाज में भी इसी तरह गौमूत्र और गोबर का प्रयोग किया जा सकता है। इस बात में कोई भी अचंभा नहीं होना चाहिए कि हरिप्रिया जी के इस बयान के कुछ दिनों बाद ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से दिल्ली में एक गौमूत्र सेवन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। It happens only in India. जिस समय दुनिया भर में 8,000 लोग कोरोना वायरस के कारण मारे जा चुके थे, उस समय केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे ने कोरोना वायरस से बचने का एक सुझाव दिया। जब उनसे इस वायरस के फैलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, जो 11 बजे से 2 बजे तक सूर्य की किरण बहुत मतलब कहते हैं धूप ज़्यादा रहता है, तो हम लोगों को थोड़ा 10-15 मिनट क्यों ना हो, सब लोग धूप अगर सेकते हैं तो उससे एक लाभ भी होगा। मैं उससे विटामिन डी को, जहाँ विटामिन डी हमको शरीर में मिलता है, हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ साथ ऐसे वायरस समाप्त होते हैं, कोई भी प्रकार का वायरस वो समाप्त होता है, इसलिए धूप का सेवन भी करना चाहिए। It happens only in India. हाल ही में कर्नाटक के उल्लाल नगर पालिका में कांग्रेस के पार्षद रविचंद गट्टी ने अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को रम पीने और हाफ फ्राइड अंडे खाने की सलाह दी। रविचंद गट्टी अपने वायरल हुए एक वीडियो में कहते दिखे कि 90 ml रम में एक छोटा चम्मच पीसी काली मिर्च डालकर उसे अपनी उंगली से अच्छी तरह मिलाएं और पिए। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए 2 हाफ फ्राइड अंडे खाएं। It happens only in India. जब क्या पीना है तय कर दिया गया तो आइए खाने की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाभी जी पापड़ का लॉन्च इस दावे के साथ किया है कि यह कोरोना वायरस को भगाने में कारगर है। इस पापड़ के लॉन्च के वीडियो में बीजेपी सांसद मेघवाल भाभी जी पापड़ के 2 पैकेट पकड़े हुए यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। It happens only in India. इस पूरी रेस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर कैसे पीछे रह सकती थी? शनिवार को उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 5 अगस्त तक दिन में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें विश्वास है कि इससे दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी का अंत हो सकता है। उनका दावा है कि जब देश भर के हिंदू एक आवाज में मंत्रोच्चार करेंगे तो कोरोना वायरस मानो खत्म हो जाएगा। समस्त हिंदूगण जब इस अनुष्ठान को करेंगे तो एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। It happens only in India. हमारे प्यारे नेताओं के इतने अनोखे और उत्तम सुझावों को देखकर इस बात में कोई अचंभा नहीं होता कि भारत कोरोना वायरस के मामलों से कितनी भली भांति लड़ रहा है। देखिए ना, देश में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ते कोरोना के नंबरों को। न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़क्लिक। धन्यवाद।